नमस्कार, गुड इवनिंग 91.9 फ्रेंड्स एफएम। मैं हूँ आरजे अनिमेश। वादे के अनुसार सैटरडे इवनिंग बिल्कुल तैयार, लेकर आप सभी के लिए एक और रॉकिंग एपिसोड ऑफ 91.9 फ्रेंड्स एफएम, फ्रेंड्स डिजिटल लाइव अनप्लग। वेल, आज के जो हमारे स्पेशल गेस्ट हैं, मैंने कोशिश की कि मैं उनके लिए इंट्रोडक्शन रेडी करूँ, शब्द जो थे वो कम होने लगे, इसीलिए मैंने सोचा कि उनको मैं दिल से ऑन एयर आकर ही मैं उनको इंट्रोड्यूस करूंगा। जी, अब वो वक्त आ चुका है। हमारे साथ इस वक्त है नन अदर देन हम सबके फेवरेट सुपर कंपोजर एंड सिंगर, लिविंग लेजेंड, जिंगल किंग, लेस्ली लुईस। लेस्ली सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है 91.9 फ्रेंड्स एफएम कोलकाता शहर में। थैंक यू सो मच। मेरा फेवरेट शेयर। सर, थैंक यू, क्या बात है सर। जी हाँ, मैं बताना चाहता हूँ, मैं वही आपसे ऑफ एयर बता रहा था कि जब जब आपके साथ सर बातें होती है काफी अच्छा लगता है, और ये मेरे लिए एक बार फिर से प्राइड मोमेंट है। बहुत ही प्राउड फील कर रहा हूं मैं, क्योंकि आज आपके साथ एक बार फिर से बातें हो रही है। 2011 में जब लेस्ली सर कोलकाता आए थे तो उनके साथ मेरी ओहो, बातें हुई थी। अमेजिंग। 2016 में जब कोलकाता में आए थे लेस्ली सर तो उनके वाह साथ मेरी बातें हुई थी, और ये तीसरी बार सर आपके साथ मुलाकात हो रही है। और जब जब आपका मैंने इंटरव्यू लिया है, कुछ नया सीखा है, बहुत कुछ नई चीजें जाना है। लेस्ली सर, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स एफएम को समय देने के लिए। बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ बातें हो रही है। आज गणेश पूजा की शुरुआत भी हो चुकी है, सर कुछ कहना चाहेंगे शुरुआत में ही? तो शुरुआत में कहने के पहले हमारा एक गाना, मेरा एक गाना था, सानी धपा जी सर, मग, उसका जो इंट्रोडक्शन है वो मुझे लगता है आज गणेश चतुर्थी है तो ओपनिंग लाइन जो है, वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर गणेश जी थैंक को यू बहुत सो मच। प्रणाम। इससे अच्छे जी, इससे अच्छे शो की शुरुआत नहीं हो सकती है। लेस्ली सर, गणेश जी का आशीर्वाद लेते हुए हमने शो को शुरू किया। थैंक यू सो मच सर। इस शो के बारे में आपको बता दूं, ये एक ऐसा शो है जहाँ पे हम पॉजिटिविटी, पॉजिटिव होने की बातें करते हैं। जो अपने सिंगर्स हैं, बैंड्स हैं, वो अपने अपने जर्नी के बारे में हमारे साथ शेयर करते हैं अपने फैंस के साथ। तो सर, मैं सबसे पहले आपसे शुरू करना चाहूंगा। जैसे कि हम सब जानते हैं, लेस्ली सर बचपन से ही जो म्यूजिक के साथ साथ जुड़े हुए थे, और बचपन से ही वो म्यूजिक और फिल्मी दुनिया से आपका नाता रहा है। तो सर, बचपन में कैसे थे? बहुत इंट्रोवर्ट थे आप, एक्सट्रोवर्ट थे, कैसे थे लेस्ली सर? बहुत छोटा था तो मुझे लगता है लड़ता झगड़ता था स्कूल में, बट बेसिकली एक इंट्रोवर्टनेस था। ऐसे नहीं कि मैं बहुत, जो मेरे फ्रेंड्स हैं मेरे फ्रेंड्स हैं, जो फ्रेंड्स नहीं है ठीक है उनको अच्छा मान के मैं अपना करता था। तो मेरा म्यूजिक भी वैसे ही करता था कि मैं अपने, मुझे जो अच्छा लगता है वो ही करना है, ठीक है, जो सबके लिए ओके करना है तो करना है, लेकिन अपना खुद करना है। ओके, तो उसके बाद से शुरुआत हुई, तो मुझे बताना चाहेंगे, जैसे कि हम सब जानते हैं कि आपके 4 से 5 अवतार हैं, उनके बारे में ही मैं आपसे बातें करूंगा सर। बहुत सारी चीजें आपने एक के चार बाद एक बात बताई। चार कंप्लीट हो चार गए, अवतार है, चार चार कंप्लीट कंप्लीट हो हो गए, गए, पांचवा शुरू। पांचवा शुरू होने वाला है। 1 2 3 हफ्ते के लिए रुकी। क्या बात है, ये एक सस्पेंस है, थोड़ा सा इंतजार हमें करना होगा। 5वें अवतार में लेस्ली सर बहुत जल्द नजर आने वाले हैं। तो सर, मैं जानना चाहूंगा आपसे कि अगर हम, जैसे कि रेडियो इंडस्ट्री है तो हम कमर्शियल्स की बातें करते हैं, एडवर्टीजमेंट वर्ल्ड की अगर हम बातें करें, 30 साल से ज्यादा हो चुके हैं, एक से एक बड़े बड़े आपने ऐसे ऐसे कमर्शियल्स दिए हैं जो मैं जब बचपन में था मुझे याद है, अभी के जो बच्चे हैं उनको याद है, जो एजेड है उनको भी याद है। अगर हम दूध 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 वंडरफुल पियो ग्लासफुल दूध की बातें करें, या फिर हम फ्रूटी की बातें करें, फ्रेश एंड जूसी, तो सर बताना चाहेंगे ये एडवर्टीजमेंट वर्ल्ड का ये जो सफर था, अगर हमारे साथ शेयर करें सर। तो पहले मैं एक्चुअली स्कूल से जब वापस मुंबई आया था तो मैं एज अ गिटारिस्ट, एज ए सेशंस गिटारिस्ट जो कहते हैं कि रिकॉर्डिंग में मैं बजाऊं, जिसका गाना है वो म्यूजिशियन को बुलाते हैं, तो मैं गिटार बजाने जाता था। तो आई वॉज जस्ट अ गिटारिस्ट। लेकिन उसके बाद जब मुझे जिंगल्स कर, तो जब गिटारिस्ट था तो जब मैं जिंगल्स करने गया तो लोग कहने लगे कि नहीं, वो तो बहुत अच्छा गिटारिस्ट है, आई डोंट थिंक ही कैन कंपोज, ही इज नॉट अ कंपोजर, ही इज अ गिटारिस्ट एंड ही इज अ वेरी गुड ओके गिटारिस्ट। तो अगर आपका कोई जिंगल हो आप प्लीज उसको बुलाइए, बहुत अच्छा गिटार बजाता है जिंगल के लिए, लेकिन जी कंपोजर मुझे नहीं लगता कंपोज कर सकता है। तो उस लिए मुझे बहुत टाइम की
काम ही नहीं मिला था एज अ कंपोजर। तो मैंने फिर क्या कर दिया कि मैं जो गिटार बजाता था मतलब सबके लिए स्टूडियो में, सब आर्टिस्ट के लिए जो बजा, मैंने छोड़ ही दिया। एक्चुअली हर वक्त फोन आता था, मैं कहता था मैं बिजी हूँ, यू नो मैं अनिमेश के रिकॉर्डिंग में हूँ, ऐसे करते करते झूठ बोलते बोलते मैं अवॉइड करता था और मेरा टाइम जिंगल के पीछे। और जब जिंगल्स आने लगे तो फिर प्राइम टाइम के सबसे बहुत अच्छे जिंगल्स जो प्राइम टाइम कमर्शियल्स है वो करने लगा, तो सब कहते हैं वो इज अ वेरी गुड जिंगल कंपोजर, बट मुझे नहीं लगता है कि गाना कंपोज कर सकते हैं, क्योंकि वो तो 5 मिनट का गाना होता है, ये जिंगल तो 15 सेकंड का, 30 सेकंड का, तो ही इज वेरी गुड फॉर दैट, पता नहीं गाना का। तो ऐसे मेरा लाइफ जाते हुए, तो एज अ जिंगल कंपोजर बहुत थोड़ा मुश्किल था, बट आई थिंक जब जिंगल्स आए और लोगों ने सुना तो वहां मुझे एक ऑप्शन अपॉर्चुनिटी मिल गया। तो सर हम कह सकते हैं कि ये एक तरह का किक था जो लोगों ने कहा कि नहीं ये तो सिर्फ गिटार बजाता है, ये कैसे कमर्शियल म्यूजिक दे पाएगा, फिर उसके बाद कैसे इन्होंने गाने कैसे कर पाएगा, तो सर उनके कहने पर और ज्यादा आपको लगा कि नहीं अब मैं कर सकता हूँ एज एन आर्टिस्ट? मुझे पता है कि मैं कर सकता हूँ, लेकिन जब वो कह रहे कि वो कंपोज नहीं कर सकता, ही इज नॉट अ कंपोजर, ही इज अ गिटारिस्ट, जिंगल कंपोज नहीं कर, तो मैं कैसे भी उनको करके बताना चाहता था कि मुझे आता है। तो जब जिंगल्स कंपोज करने लगा तो फिर वो 15-30 सेकंड में खत्म होने लगे, तो मुझे तो गाने भी पूरे गाने करने थे, चांस नहीं मिल रहा था। तो सेकंड ऑप्शन में वही हुआ कि उसके बाद जब मैंने कोशिश किया कि मुझे गाने करने हैं, तो अगेन सेम प्रॉब्लम, नो नो ही इज अ वेरी गुड जिंगल कंपोजर, लेकिन आई डोंट थिंक ही कैन कंपोज पूरा गाना, जैसे अनु मालिक जी के यू नो 5 मिनट 6 मिनट का गाना करते थे उस टाइम बॉलीवुड, नॉट जस्ट अनु, एवरीबडी जो बॉलीवुड के गाने होते थे 5-6 मिनट का, बोले ये तो जिंगल करता है 15 सेकंड का, 30 सेकंड, मुझे नहीं लगता है गाना कंपोज कर सकता है। तो उसके अगेंस्ट वापस जिंगल थोड़े कम करते, ट्राई करते करते आपकी, फिर वो परी हूं मैं पहला गाना मेरा निकला, उसके बाद सब कहने लगे इज अ वेरी गुड कंपोजर, मेक अप योर माइंड यार। क्या कहना चाहते हो वो तो सोच लो, बिल्कुल बिल्कुल। तो सर परी हूं मैं की जब बातें हो रही है, तो जी हाँ आप वो हैं जिन्होंने इंडी पॉप को इंडिया में शुरू किया, हम कह सकते हैं कि पॉप जो है वो शुरू हुआ इंडिया में। तो सर मुझे बताना चाहेंगे परी हूं मैं इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है, और इसके सक्सेस के पीछे आपने एक बार कहा है कि जगजीत सिंह सर का बहुत बड़ा हाथ है, सर वो स्टोरी अगर हमारे साथ अगर शेयर करें, और इंडी पॉप लेकर तो मैं आपसे जानना ही चाहूंगा सर कैसे शुरुआत हुई, अगर हमारे साथ प्लीज बताएं सर। ये इंडी पॉप आपके लिए एक जॉनर है जो बन गया है एक, लेकिन जब शुरू हो रहा था तो जॉनर था ही नहीं, जैसे मैं कह रहा हूँ ना नेक्स्ट अवतार आने वाला है, वो फिर से जैसा इंडी पॉप शुरू हुआ, कोई जॉनर है नहीं, तो मैंने वो जॉनर को ग्लोबल हिंदी करके एक जॉनर दे दिया है। तो इंडी पॉप जब शुरू हो रहा था तो परी हूं मैं का जब गाना मैं मिक्स कर रहा था उस टाइम, जगजीत सिंह और मेरा टाइम जो है स्टूडियो का जो बुकिंग टाइम क्लैश हो रहा था, तो ऑब्वियसली जगजीत सिंह जी सीनियर है, मैं वी रिस्पेक्ट ईच अदर, देयर इज नो इश्यू। तो जब अपना रिकॉर्डिंग होता दूसरा आदमी अंदर आके नहीं खड़ा रहता, वो बाहर रहते जब तक तुम्हारा रिकॉर्डिंग खत्म नहीं हो। लेकिन जगजीत सिंह आ गए, अच्छा कौन लेजी रिकॉर्ड कर रहा है, हाँ आके उधर खड़े हो गए। तो ये क्या हिंदी इंग्लिश में बोलने से मतलब नहीं, मैं थोड़ा आपको बजा के बता दूं? बिल्कुल सर, अच्छा एक बिल्कुल सर हम सुनना चाहेंगे, मतलब मैं क्या बता रहा हूं जगजीत सिंह। तो वो आई मैं तो आई नजारों के अनजाने के जहां से, लाई मैं तो लाई बहार के अफसाने भी वहां से, ना ना मुझे छूना ना दूर ही रहना परी हूं मैं। अभी ये गिटार जो आप सुन रहे हैं ना, जी सर, तो मैंने गिटार बजाया था और मिक्सिंग में मैंने ये गिटार को थोड़ा सॉफ्ट रख दिया था, तो जगजीत सिंह वहां आए, बोला अरे लेजली वो थोड़ा गिटार लाउड कर लो। तो मैंने सोचा अभी जगजीत सिंह जी बोल रहे गिटार लाउड, लेकिन ये ठीक है अपनी जगह पे ठीक है, बिकॉज एक्चुअली जैसे तुमने पहले शो के स्टार्ट में कहा था कि आर यू इंट्रोवर्टेड, थोड़ा सा हूँ, तो मेरा म्यूजिक भी जो बजता है मैं गाना भी गाता हूँ थोड़ा नीचे ही रखता हूँ, मैं ऐसे नहीं कि एकदम लाउड करना है। और जगजीत सिंह ने बोला थोड़ा लाउड कर लो, तो मैंने थोड़ा सा लाउड कर लिया, थोड़े देर के बाद अरे लेजी और थोड़ा लाउड कर लो, मैं बोला जगजीत जी मेरा गाना के 12 बजा रहे हो तुम, मतलब यू नो
मुझे मिक्स करने दो। एंड एंड ये जो पीस है ये परी हूं मैं का जो हुक लाइन बन गया है इसके ऊपर ही पूरा गाना चलता है। एंड आई हैव टू थैंक जगजीत सिंह जी फॉर दैट कि उन्होंने ही मुझे जबरदस्ती करके बोला, उन्होंने कुछ सुना कि इसमें कुछ बात है तो लाउड करो लाउड करो लाउड करो, करते करते ये जो लेवल आ गया जो आप गाने में अब सुन रहे, दैट इज ड्यू टू जगजीत सिंह। क्या बात है। तो सर आपको पूरी तरह से लगता है कि अगर वो नहीं बोलते तो इतना बड़ा हिट नहीं हो पाता ये गाना? नहीं, गाना तो चल जाता, दैट देयर वाज नो प्रॉब्लम, कि उसका इश्यू नहीं था, लेकिन ये गाने में ये जो झोल चलता है ना वो थोड़ा कम रहता, गाना उतना ही अच्छा है, उतना ही रिदम उसका, इसका जो रिदम है जो मैंने किया था तो माइकल जैक्सन के पास से मेरे मुझे कॉल आया था कि परियू मैं के रिदम हमें मिल सकते, वो उस टाइम मुझे लगता है ब्लैक और वाइट एल्बम कर रहे थे, तो मुझे कॉल आया था कि उसके आप मल्टी ट्रैक रिदम, वो जो रिदम्स जो है कि उसका जो आप सुनोगे झिंक झिंक झिंकता, तो तबला का बाया और मादल वो दोनों मिक्स था, वो चाटी नहीं है, तबला का चाटी नहीं है, वो मादल है, और तो मैंने ऐसे कंपोज करके उसको उस टाइप का रिदम बनाया था। तो पता नहीं माइकल जैक्सन के पास उन्होंने सुना परी हूं मैं और उन्हें रिदम के जो ट्रैक्स है मांगे थे उनके रिकॉर्डिंग के लिए, लेकिन मैंने कहा कि देखो हमारे पास तो 8 ट्रैक का ही रिकॉर्डिंग होता है या 10-12 ट्रैक का रिकॉर्डिंग होता है, हमारे पास तो मल्टी ट्रैक रिदम्स के है नहीं, सब मिक्स ही है, तो वो नहीं हुआ। बट आई मीन आई वाज सो अमेज्ड कि यू नो माइकल जैक्सन आस्क्ड कि फॉर दोज रिदम्स ऑफ परी हूं मैं, तो इट फेल्ट बहुत मुझे प्राउड, अच्छा लगा, बस दैट्स ऑल। बिल्कुल सर, ये हम सबके लिए भी बहुत प्राउड मोमेंट है क्योंकि आपके गाने उन्होंने भी सुने और फिर उन्होंने कहा। वैसे सर मैं जानना चाहूंगा, जब हम इंडी पॉप की बातें कर रहे हैं तो अब रिमिक्स की भी बातें होनी चाहिए क्योंकि एक से बढ़कर एक ऐसे चीजें आपने की है जो हमेशा आपको हम याद रखेंगे। तो आपको कहा जा रहा है कि बॉलीवुड रिमिक्स इन इंडिया लाने वाले लेस्ली सर ही है, सर इसकी शुरुआत कैसे हुई थी कुछ अगर हमारे साथ शेयर करें? तो एक्चुअली कॉलोनियल कजन्स का एल्बम मैं लंदन में रिकॉर्ड कर रहा था और उसी टाइम मतलब कभी कभी एक दो दिन फ्री मिलते थे तो मैं शॉपिंग गया था सेल्फ्रिजेस करके, एक बहुत बड़ा मॉल है लंदन में, थोड़ा अप मार्केट मॉल है, तो वहाँ गया था मुझे कि क्या लेना है और वहाँ खाना खाना बहुत अच्छा मिलता है, तो आई वेंट क्योंकि मैं फूडी हूँ, और वहाँ शॉपिंग करते करते सडनली आशा जी मिल गए और पंचम दा का देहांत हुआ था क्वाइट रिसेंटली, मतलब ऐसे थोड़ा थोड़ा वक्त पहले हो गया था, तो आई बीन अ बिग फैन ऑफ आर डी बर्मन, आई बीन अ बिग फैन ऑफ आशा जी, तो जब आशा जी वहाँ मिले मुझे तो आशा जी ने कहा अरे मेरा एल्बम करना है, तुम कहा तुम यहाँ क्या कर? तो मैंने बोला कि मैं अपना एल्बम कर रहा हूँ जो एंड में आपने कॉलोनियल कजन्स करके सुना है, तो वो रिकॉर्ड हो रहा था, लेकिन आशा जी ने कहा कि देखो अभी पंचमदान नहीं है, लेकिन उनको उनके जो पुराने गाने थे वो नेक्स्ट जनरेशन के लिए उनको तुम्हारे साथ करने थे, तो अब वो नहीं है, तुम करोगे क्या? सो आई फेल्ट मतलब होल दुनिया में आर डी बर्मन के पास ही कैन वर्क विद एनीबडी, व्हाई मी? लेकिन आशा जी ने कहा कि नहीं, उन्होंने कहा कि उनके साथ तुम्हारे साथ करना था, अब वो नहीं है तो तुम कर दोगे क्या? एंड दैट इज व्हाई एक तो बहुत प्राउड, अच्छा लगा, लेकिन दैट्स द रियल स्टोरी क्यों कि मैंने क्यों स्टार्ट उसके, बिल्कुल उसके बाद एक से बढ़कर एक रिमिक्स की हम बातें करें तो वो है जैसे कि पिया तू अब तो आजा से लेके वो मेरे सोना रे, एक के बाद एक रिमिक्स जो हुए वो सब सुपर डुपर हिट हुए और इन सब में आपका हाथ है सर। वेल मैं जानना चाहूंगा, ये तो बस शुरुआत है सर, मैं आपको सबसे पहले दिखा दूं क्योंकि एक लंबी लिस्ट है, इतने सारे सवाल दो दो पेज पीछे भी है, तो मैं इतना आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा सर, लेकिन कुछ कुछ आपके फैंस जानना चाहते हैं इसीलिए मैं इन सवालों को आपसे पूछ रहा हूँ सर। उसके बाद क्लासिकल फ्यूजन, जैसे कि आपने थोड़ी देर पहले ही बताया हरिहरन सर की अगर हम बातें करें तो ये तो कुछ बताना चाहेंगे सर, ये भी शुरुआत आपने की सर क्लासिकल फ्यूजन लेकर, अगर हमारे साथ शेयर करें सर वो दौड़ वो एक्सपीरियंस। तो जैसे मैं कहता हूँ जो भी होता है ऊपर वाला करता है, हम तो बस सूत्रधार है जी, हमारे थ्रू होता है लेकिन करने वाले हम नहीं है, लेकिन होता है, बट यस एक जादू था उस टाइम में। सो
मैं जब जिंगल्स करता था तो हरिहरन जी मेरे लिए आके मेरे जिंगल्स गाते थे, हिंदी, तमिल, तेलुगु, ऐसे लैंग्वेज डबिंग, रीजनल जी सर, लैंग्वेज में, जो तमिल, तेलुगु, साउथ लैंग्वेज में, हिंदी में, जो भी है। तो एक जिंगल के लिए आए थे डब करने के लिए, और वो उसका स्क्रिप्ट रेडी नहीं था, और कुछ 8 बज गए थे रात को। हम लोग वी आर वेटिंग, स्क्रिप्ट अभी तक आया नहीं, दिल्ली से कुछ आने वाला था। तो जैसे मैंने अभी गिटार लिया और आपको थोड़ा सा कुछ स्ट्रम किया है, हम लोग बैठे थे तो मैंने गिटार उठाया और एंड आई स्टार्टेड प्लेइंग समथिंग, थोड़ा कंट्री एंड वेस्टर्न, तो उसमें हरियन आलाप शुरू कर दिया और कुछ क्लासिकल गाने शुरू। तो बोला अच्छा भैया टक्कर माने तो चलो। तो वहां से मैंने थोड़ा शुरू करते हैं। हाँ ब्लूज में शिफ्ट कर दिया, कि इंडियन क्लासिकल जो सिंगर गाते हैं एक ही राग पकड़ के गाते हैं, वो उनका एक तरीका है। तो मैंने बोला चलो, मैंने सुर भी चेंज कर दिया और स्टाइल भी चेंज, बट हरिहरन छोड़ नहीं रहे, पीछे पड़ रहा है, पीछे पड़ रहा है। एक सो दैट वाज द फर्स्ट एवर अनप्लग्ड, क्योंकि ओके स्टूडियो में कुछ जादू शुरू हो गया, तो सब लोग ने अपना काम छोड़ के सब नीचे बैठ गए थे जमीन पे, एंड टू ऑफ अस जैमिंग, मतलब क्रेजी। तो उसके बाद तो 11 बजे को जिंगल, वो स्क्रिप्ट रेडी हो गया, वो कॉल आ गया, जो हाँ चलो, सब मूड निकल गया वहां से। तो उसके बाद हरी ने कहा कि कुछ करते हैं, बहुत अच्छा लग रहा था जो भी है, सर यार करते हैं। तो वहां से हमने कलोनी का शुरू किया, और उस वो जो जिंगल था वो हरी को भी अच्छा लगा, तो मैंने बोला ठीक है उसका पूरा गाना करता हूँ। तो वो कलोनी का उसके आदमी, तेरी मेरी आंखों में थोड़ा गैर थोड़ा अपना, अपने थोड़े गैर थोड़े अपने हैं, वो एक छोटा सा बैलेड है, वो एक्चुअली एक जिंगल था जो हम लोग ने वो जी रात को रिकॉर्ड किया था, और उसको मैंने एक ये सॉन्ग में कवर करके एक नया पूरा गाना बना दिया था। तो वो कलोन के एल्बम पे है, तेरी मेरी आंखों। और सर कृष्णा कृष्णा भी बहुत हिट हुआ सर, हम सबका हमेशा से फेवरेट रहा है सर। दो लाइन अगर आप गुनगुना दे अपने फैंस के लिए, मेरे लिए सर खास करके। दो लाइन गा लूं? ओके, जी सर अब सब सीरियस फैंस बैठे हैं और तुम दो दो तीन तीन बार लाइफ में आते हो तो कुछ तो करना पड़ेगा ना। So come back as Jesus, and come back and save the world, and bless all the future of every boy and girl. And come back as Rama, forgive us for what we've done. Come back as Allah, come back as anyone. Krishna ninde vene Baro Krishna ninde vene Baro when darkness coming round and everybody fighting with their brother and everybody wants control, don't hesitate to kill one another. So come down and help us save all the little ones. They need a teacher, you are the only one that we can rely on to build a better world, a world that's for children, a world that's for everyone. Krishna Nivedane Baru Krishna Nivedane Baru Govinda Bolo Hari Gopal Govinda Bolo Hari Gopal Alleluia Hallelujah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Govind Bolo Hari Gopal, Govind Bolo Hari Gopal.
लेस्ली सर, यू मेड माई डे, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। मैं जैसे ही मुझे पता चला आपसे बातें होने वाली है, मैंने कहा अगर एक बार कृष्णा मेरे लिए अगर लेस्ली सर गा दें। थैंक यू सो मच सर। तो बहुत सारे सवाल और भी जैसे हैं, मैं पूछूं, कहते मैं पूछूंगा, लेकिन थर्ड टाइम लकी कहते हैं ना, आप तीसरे बार मुझे इंटरव्यू कर रहे हैं तो थर्ड टाइम लकी, जो आपका गाना चाहिए था हो गया। बिल्कुल सर, क्या बात है, क्या बात है सर। मैं जानना चाहूंगा आपसे कि ये लॉकडाउन का जो वक्त गया है, थोड़ा सा इसके बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगा। ये जो फ्रॉम लास्ट 4 मंथ्स पैंडेमिक सिचुएशन जो जा रही है, अभी पैंडेमिक जो अभी जा रहा है, तो सर ये समय आपका कैसा बीता है, कुछ अगर हमारे साथ शेयर करें। पूरी दुनिया के लिए बहुत बुरा समय, मेरे लिए भी, एज अ एक साइड जो देखते हैं, लेकिन हर बुरे चीज में एक दूसरा अच्छा भी होता है। मुझे लगता है एवरी थिंग हैपेंस फॉर द बेस्ट। और लास्ट 2 साल से अगर आप मेरे इंस्टाग्राम पेज पे जाओगे या फेसबुक पे, यू विल सी दैट आई एम ट्रैवलिंग पूरे वर्ल्ड में, शोज कर रहा हूँ, मतलब पेरिस, म्यूनिक, इस्तानबुल, न्यूयॉर्क, बीजिंग, सब जगह बॉलीवुड गाने, लेकिन प्योर एंटरटेनमेंट, बॉलीवुड सॉन्ग्स, पार्टी, डांस म्यूजिक, वो सब कर रहा था। ये गाने भी कृष्णा विष्णा भी गा रहा था, बट मतलब पीपल वर हैविंग, जैसे कि कॉर्पोरेट इवेंट्स होते हैं, शोज होते हैं, शादियां होते हैं, तो इवेंट होता है, उसमें अब लोगों को नाचना वाचना होता है। तो जी मुझे जो म्यूजिक करना था वो टाइम नहीं मिल रहा था, कि हम लोग कॉन्स्टेंटली ट्रैवल कर रहे थे 2 साल से, और अबू धाबी गए थे, उसके बाद जैसे वापस आए बंद हो गया पूरा, ये कोरोना वायरस का पैंडेमिक स्टार्ट हुआ और लॉकडाउन शुरू हुआ। और मैं बहुत ये लॉकडाउन में मेरा जो फ्यूचर वाला करियर, जो मैं बोल रहा हूँ कि फिफ्थ अवतार, उसके गाने मैंने लिखे, और मेरे साथ जो गाती है काव्या जोन्स, आप अगर आप देखेंगे मेरे पोस्ट पे, मेरे को वोकलिस्ट है, मेरे बैंड में गाती है, और हम डुओ करके, लेजेंड्स डुओ करके बहुत परफॉर्म करते उस। सो जैसे सुनीता राव या अलीशा या के, ये जो आप गाने सुनते हैं ना, यारो दोस्ती, पल, जी बैंड ऑफ बॉयज, तो 90s में यंग आर्टिस्ट को उस टाइम मैंने वैसे प्रमोट किया था। मुझे लगता है 2020 में भी यंग आर्टिस्ट है, और मेरे पास यहाँ खुद एक अच्छी आर्टिस्ट है, तो उसके लिए भी मैं एक एल्बम बना रहा हूँ। तो उसका एल्बम बन रहा है, बट ये लॉकडाउन में बन गया है एक्चुअली, और मेरा भी जो नया म्यूजिक आने वाला है वो भी बन गया है। तो एक एक किस्म से जो लॉकडाउन था, एक अच्छी बात हुई कि अभी न्यू म्यूजिक ऑडियंस के लिए मेरे पास से आने वाला है। और सैड बात है कि शोज अभी कम हो गए, तो हम ट्रैवल नहीं करते पैंडेमिक के लिए, तो वो भी हो जाएगा अपने टाइम पे, लेकिन एक ब्रेक मिलने से ये नए गाने जो अब आएंगे, आपको एक, आप 2-3 हफ्ते में मेरा एक सिंगल रिलीज होगा, फर्स्ट सिंगल जी सर, एज अ न्यू अवतार, एज अ सिंगर, परफॉर्मर, कंपोजर, जो भी है, और वो गाने का नाम है चंद्रमा। तो अगर आपको कृष्णा अच्छा लगा तो वो गाना आपको बहुत अच्छा लगेगा, वो मैं आपको बिल्कुल गारंटी। सर, चंद्रमा का हम सबको इंतजार है सर, मैं वेट कर रहा हूँ, हम सब वेट कर रहे हैं, आपके फैंस वेट कर रहे हैं, और मुझे पता है कि सुपर डुपर हिट सभी को ये बहुत पसंद आएगी। सर ऑनिंदो एक सवाल आपसे पूछना चाहते हैं, बहुत बड़े आपके फैन हैं, जैसे कि म्यूजिक की बातें कर रहे हैं, फ्यूचर ऑफ म्यूजिक इंडस्ट्री आपको क्या लगता है सर, अगर कुछ आप बताएं सर। फ्यूचर ऑफ म्यूजिक इंडस्ट्री, मुझे लगता है फिर से म्यूजिक की तरफ मोड़ रहा है, जो इन बिटवीन थोड़ा म्यूजिक से हटके पूरा मार्केटिंग पे जो जा रहा था ना इंडस्ट्री, मार्केट करो तो हिट होगा, गाना अच्छा हो नहीं हो चल जाएगा, नो प्रॉब्लम। अब मुझे नहीं लगता कि, मुझे लगता है कि ऑडियंस को अच्छा कंटेंट चाहिए। सो आई थिंक कि म्यूजिक इंडस्ट्री का फ्यूचर इज गोइंग बैक टू इट्स बेसिक्स, कि मेलोडी आना चाहिए, जो भी म्यूजिक है वो दिल को छूना चाहिए, या बिल्कुल आपको फ्लोर पे लाना चाहिए, इट शुड फील लाइक, नहीं सिर्फ नंबर देख के नहीं होगा कि इतने मिलियन व्यूज है इसके लिए हिट है, वो तो सब जानते हैं, बट लोगों को खींचना म्यूजिक की तरफ, मुझे लगता है वो बहुत से आर्टिस्ट सब करेंगे, और ऑडियंस को की जरूरत है वो, तो इट इज ब्रिंगिंग म्यूजिक बैक टू द ओरिजिनल ट्रैक। बिल्कुल बिल्कुल सही बात आपने कही है सर। वैसे मैं जानना चाहूंगा, थोड़ा सा हम पास्ट में एक बार फिर से जाना चाहेंगे सर,
एक के बाद एक मैंने आपके बारे में बताया, सब वैसे तो सबको पता है, लेकिन एक और खबर जो है जो मुझे मिली है और हम सब जानते हैं उसके बारे में बातें होनी चाहिए। सर, आप ओनली इंडियन आर्टिस्ट हैं जो जाकर लंदन में ओरिजिनल एमटीवी अनप्लग्ड को आपने किया था सर, ये भी हम यस सबके लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट है। वो अगर एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें सर। तो उस टाइम ऑब्वियसली किसी को पता ही नहीं कि 7 कैमरा 7 कैमरा का ऑपरेशन, क्या अभी क्या होता है शूटिंग जी, बहुत कैसे होते होता हैं, है जी? ये इंडियन आइडल ये वो सब होता है, तो अभी शुरू हो गया। तो उस टाइम 1996 की बात कर रहा हूँ मैं, तो कुछ आइडिया नहीं था कि 7 कैमरा का क्या इफेक्ट हो सकता है। और लंदन में जाके ब्रिटिश लोग और टोटली मिक्स क्राउड, जो टोटली ब्रिटिश क्राउड है, हमारे थोड़े इंडियन क्राउड भी थे, वहां जाके उनके सामने ऐसा परफॉर्म करे ताकि कि जैसे वो गाना, जैसे हमने शो शुरू करने के पहले सबसे मिले थे जो बैक स्टेज में है, जी सिक्योरिटी गार्ड है, शेफ केटरिंग है, वो हमारे पास देखे भी नहीं, ब्राउन कोई है इंडिया से पता नहीं कौन। गाना हमारा शो खत्म हुआ, ऐसे भाग के आए, यू गाइस अमेजिंग, वेयर कैन आई बाय योर सीडी, वो बोल रहे यू वांट सम नूडल्स, यू वांट, ऐसे क्या हो गया भाई। तो क्या क्या बात है सर। म्यूजिक का ये पावर जो है ना, द पावर ऑफ म्यूजिक, उसमें लैंग्वेज नहीं होता है, कलर नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है, गोरा हो काला हो ब्राउन हो, सबको म्यूजिक अच्छा लगता है। और उसका लैंग्वेज म्यूजिक से ही, अब हिंदी में बात करूंगा उसके बारे में, इंग्लिश में आप समझोगे, जैसे मैंने परी हूं मैं का वो थोड़ा बजा के आपको बताया, तो उसका लैंग्वेज आप जी समझ सर गए। सिर्फ बिल्कुल बोलता तो बहुत सी ऑडियंस को समझ में भी नहीं आता मैं क्या बोल रहा हूँ। तो म्यूजिक का अपना लैंग्वेज है, और मुझे लगता है कि लोगों को वो ही लैंग्वेज में सुनना चाहिए, वो बिल्कुल सर इंग्लिश में बिल्कुल। लाइट अप करना, वो सब ठीक है, मार्केटिंग के लिए ठीक है, लेकिन म्यूजिक शुड टॉक टू यू। क्या बात है, बिल्कुल सही बात है सर। कोक स्टूडियो की भी बातें होनी चाहिए, कोक स्टूडियो एमटीवी, उसके बाद जी इंडिया में आपने जो शुरू किया, आपकी प्लानिंग थी हम कह सकते हैं, वो पूरी तरह से हिट रहा, वो एक्सपीरियंस अगर शेयर करें सर। वो एक बहुत इंटरेस्टिंग टाइम था मेरे लिए, और एक्चुअली मुझे लगता है पूरे इंडिया के लिए, बिकॉज इंडिया में उस टाइम नियरली 4-5 साल गए थे जहां कोई दूसरा म्यूजिक बॉलीवुड के सिवाय नहीं हो रहा था, इंडिपेंडेंट म्यूजिक अच्छा जी बंद हुआ था। और मैं नहीं कहता कि बॉलीवुड इज नॉट गुड, वो बात ही नहीं है, लेकिन एक्सपोजर जो म्यूजिक में मिल रहा था, रेडियो पे टीवी पे जहां भी म्यूजिक बजता था, बॉलीवुड का ही म्यूजिक बजता था। तो जैसे रियलिटी शोज में सिर्फ बॉलीवुड के गाने गाते थे, दूसरे गाने कोई नहीं गाते, तो आप जो ऑडियंस को एक्सपोजर सिर्फ पुराने बॉलीवुड या नए बॉलीवुड का होता था, उसके अलावा कोई म्यूजिक सुनाए, 4-5 साल हो गए थे उनको सुनाई नहीं दिया था। तो जब कोक स्टूडियो आया मेरे पास और मैंने ये सेटअप कर लिया कि कैसा करना है, तो बहुत इंटरेस्टिंग बात थी कि हमारे जो सबसे अमेजिंग सिंगर्स हैं, जैसे कि शंकर महादेव हो, सुनिधि हो, के कैलाश, सब जो अमेजिंग सिंगर्स हैं, जो लोग उनको बॉलीवुड की के नाम से जानते हैं, लेकिन वो तो आर्टिस्ट ही है ना, म्यूजिक इज म्यूजिक। आप बॉलीवुड गाओ, जैज गाओ, हिंदी गाओ, अफ्रीकन गाओ, जो भी गाओ, म्यूजिशियन है, आर्टिस्ट है। बिल्कुल तो क्योंकि उनका नाम बॉलीवुड में बहुत बड़ा हुआ था, एज एन आर्टिस्ट उनको चांस नहीं मिलता था कुछ और करने के लिए बॉलीवुड के सिवाय, तो उनको लेके और पूरे इंडिया में जो फोक म्यूजिक, जो हमारे पास बहुत अमेजिंग फोक म्यूजिक है, तो फोक आर्टिस्ट को लेके, जैसे कि खोगेन गोगोई जो असम के बहुत महान फोक गाते हैं, और शंकर जी महादेव, उनको दोनों साथ में रख के एक जुगलबंदी और एक नया गाने जुगलबंदी जो दोनों ने नहीं गाया है, तो वो जो म्यूजिशियन को एक चैलेंज पे लाता है ना, एक मंच पे, जहाँ उनको बताया जाता है कि आप गा के बताओ क्या कर सकते हैं, तो फोक का जो राजा है वो तो बोल रहे हैं शंकर जी आप गा के बताओ क्या कर रहे हो, हमको बहुत इंटरेस्ट है, क्यों हम आपकी बहुत आपका बहुत सुना है, आपके बारे में बहुत सुना है, आप बहुत अमेजिंग सिंगर। और शंकर को मैं एक ही एग्जाम्पल बता रहा हूँ, जैसे शंकर सुनिधि सब है, तो उनको एक मिक्स प्लेटफॉर्म में डाल के एक बैक टू म्यूजिक, और हर टेक में कभी डबिंग मैंने किया नहीं है, एक टेक, जैसे लता जी, आशा जी, किशोर जी जब गाते थे, हम जब मैं गिटारिस्ट था स्टूडियोज में, एक पूरा टेक गाना होता था,
गाना शुरू, अगर गड़बड़ हुआ तो हम लोग जाके फिर से स्टार्ट करते थे पूरा पहले से। तो वही तो म्यूजिक होता है ना, आप लाइव जैसे सुनते, तो जो आप लता जी लता जी सुनते हैं गाने, वो एक टेक में हमने रिकॉर्ड किया हुआ है। तो सेम लाइक दैट मैंने कोक स्टूडियो में स्टार्ट टू फिनिश हर गाना एक टेक में किया है। अगर मिस्टेक हुआ तो सबको वापस जाके सर सर वील डब फ्रॉम योर डब, ऐसे कोई डबिंग नहीं होगा, आप डायरेक्ट गाएंगे, हम आर्टिस्ट हैं कर सकते हैं। और यू विल इमेजिन उसका जो रिएक्शन हुआ म्यूजिक का, हर गाना एवरेज 7-8 मिनट का गाना, वडाली ब्रदर्स का गाना 12 मिनट 13 मिनट लोग सुन रहे हैं। क्या बात, बिल्कुल बिल्कुल तो सही बात है, और कोक स्टूडियो हमेशा से हम सबको याद आएगा। जी सर बोलिए प्लीज, सॉरी। नहीं, तो मेरा कहना है कि म्यूजिक सामने आ गया कोक स्टूडियो में, क्योंकि उसमें कोई मेरे जो मैंने जो सीजन सीजन 1 जो किया था उसमें कोई डबिंग नहीं है कुछ। उसके बाद वो डबिंग वबिंग करने लगे, स्टूडियो में बनाने लगे, स्टूडियो में थोड़ा रिकॉर्ड करने लगे, चेंज करने लगे, ये थोड़ा सुर नहीं लगा तो बाद में करते हैं वापस। यहाँ वैसा हुआ नहीं, जैसे हम लाइव स्टेज में देखते वैसा ही हुआ और पूरा दिल से ही हुआ है, तो बहुत अमेजिंग निकला। और कोक स्टूडियो सीजन 1 सोनी म्यूजिक्स के लिए एज एन ऑडियो सीडी प्लैटिनम सेल्स था, एज ऑडियो सीडी नॉट वीडियो। तो उसका मतलब क्या क्या है बात, कि म्यूजिक लोगों तक जा रहा है, लोगों को छू रहा है, और उसके लिए वो नाम बन गया कोक स्टूडियो इंडिया में। बिल्कुल बिल्कुल सर, कोक स्टूडियो के सक्सेस के पीछे आपका बहुत बड़ा हाथ है, और इसीलिए हमें इतना ये सीजन 1 एपिसोड इतना अच्छा रहा, सीजन 1 बहुत लोगों को पसंद आया। जी सर सॉरी बोलिए। और आप सब आर्टिस्ट को देखो, आप सब जो बॉलीवुड के आर्टिस्ट हैं उनको देख लो, फोक आर्टिस्ट को देख लो, और उनके साथ नए नए सिंगर जो आपने कभी सुना ही नहीं उस टाइम, हर्षदीप कौर, यू नो, हाँ और यंग आर्टिस्ट, और आप हूं करके गाना हर्षदीप को सुनो जाके, अमेजिंग, अभी भी अमेजिंग है। तो इतना यंग आर्टिस्ट में इतनी जो भाव है और वो एक अपनापन है, जो मैं हर्षदीप का एक एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, आकृति कक्कड़, सब यंग आर्टिस्ट थे उस टाइम, और उनको सामने बड़े आर्टिस्ट के साथ मिक्स करके, फोक आर्टिस्ट के साथ डाल के पूरा इंडिया का जो म्यूजिक बन गया ना, आई थिंक दैट वाज वेरी एक्साइटिंग। और 40 दिन में मैंने 51 सॉन्ग्स रिकॉर्ड किए, क्या बात, तो सोया नहीं, एवरी डे 5:30 बजे सुबह से 7:30 बजे तक, दैट्स इट, नो मोर, 7:30 उठना ही था, और 5:30 या 5:30 बजे तक मुझे सोना था, लेकिन 5 बजे खत्म करके वो सब ट्रैक्स जो आज क्या रिकॉर्ड करना है, जो पूरा ऐसे ही म्यूजिक बन रहा था। तो वेरी म्यूजिकली एक्साइटिंग टाइम्स, वो जो बिल्कुल बोलते सर, जुनून। ये जुनून, बिल्कुल सर, जुनून नहीं होने से ये नहीं हो पाता, और इस जुनून के कारण ही ये इतना अच्छा रहा। आपके जी आपके प्लेटफॉर्म में जो भी म्यूजिशियंस अभी है या आर्टिस्ट है, मैं जोर से कहूंगा कि आप में जुनून नहीं है ना तो आप छोड़ दीजिए, क्योंकि ये सब जुनून का ही काम है। पैसा आए नहीं आए, आपका गाना हिट होए, कोई सुने नहीं सुने, आपको आगे जाना है, अगर वो जुनून है तो आप एक दिन बन जाओगे, नहीं तो बहुत मुश्किल है। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये एक एक मंत्रा तो आपने बता दिया, मेरा नेक्स्ट सवाल यही था कि सर एक अच्छे म्यूजिक कंपोजर में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, अगर हमारे साथ शेयर करें सर। एज ए म्यूजिक कंपोजर, एक तो मुझे लगता है कि सिंगर कौन है उस हिसाब से गाना बनना चाहिए, क्योंकि या दो टाइप की म्यूजिक, एक तो सिंगर ऑलरेडी हमें पता है कि कौन गाने वाला है तो उस हिसाब से हम गाना बना सकते हैं, या हमें सिंगर पता नहीं कौन गाने हैं लेकिन पहला गाना बनाते बाद में हम सिंगर डब करेंगे, तो वो थोड़ा नया, पहले पहले सिंगर पहले डिसाइड होता था मेरे हिसाब से, क्योंकि गाना अगर लता जी गाएंगे तो काली दो में गाना बनेगा, क्योंकि वो उनका स्केल है, मतलब रिकॉर्ड अगर लता जी नहीं है और अगर कविता कृष्णमूर्ति जी ने जाके उनका वॉइस डब कर लिया एज अ गाइड, तो क्यों कविता कृष्णमूर्ति जी, क्यों वो उतने हाई गा सकती है, उसमें वो स्केल है लता जी से मैच करने के लिए, तो ट्रैक भी लता जी के सुर में होगा। उसके बाद जो नया नया सब शुरू हो गया कि कंपोजर बैठ के कंप्यूटर पे बैठ के ट्रैक बना दिया, अभी कौन से सुर में वो जो कंपोजर गाता है वही अपने सुर में ही बना दिया, फिर जब सिंगर को लाते हो तो फिर सिंगर का वॉइस ऊपर हाई है या लो है, मैच हो रहा है, तो जैसे लता
लोग कहते हैं ना लेट्स यूज अ फीमेल वॉइस, आई सेड यू वांट टू यूज लता मंगेशकर और यू वांट टू यूज अपना, अरे यार व्हाटएवर, ठीक है नाम नहीं आ रहा, वेरी 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 प्रोमिनेंट सिंगर जिसका वेरी लो वॉइस है, उषा उत्तुप, कोलकाता की है ना जी, हमारी है कोलकाता की उषा जी। उषा जी, उषा दी जो है उनका आप कहते आप कहेंगे यूज अ फीमेल वॉइस तो आप कौन सा यूज करेंगे, लता जी यूज करेंगे उषा दी यूज करेंगे, दोनों का वॉइस बहुत अलग है, उनका रेंज अलग है, बहुत फैंटास्टिक सिंगर्स है, दोनों फैंटास्टिक है अपने अपने जगह, बट उनका सुर मैच नहीं होगा, तो आपने ट्रैक बना दिया वो फीमेल, कौन सा फीमेल, तो बाद में वो प्रॉब्लम हो रहा था कि चलो ये सिंगर अच्छा है लेकिन सुर नहीं लगता तो इसको चेंज कर लो, दूसरा और ट्राई कर लो, दूसरा और ट्राई कर लो, तो मुझे लगता है कि आजकल वो थोड़ा ज्यादा हो गया है और उसमें सिंगर की खूबी 100% नहीं निकलती है। जब गाना सिंगर के लिए बनाया जाता है तो एज अ कंपोजर आप सिंगर की खूबी आप पकड़ के आप कंपोज कर सकते हैं, तो कंपोजिशन में वो फर्क आता है, इसीलिए यू आप सुनोगे मदन मोहन जी के गाने जो है या जो पुराने कंपोजर्स है वो मदन मोहन और लता मंगेशकर, आपको क्यों लगता है इतना कॉम्बिनेशन अच्छा है, क्योंकि मदन जी ने वो लता मंगेशकर की स्टाइल और आवाज और एबिलिटी देख के वो गाना बनाया है, ताकि वो सिंगर जो है वो मैंने जो कंपोज किया है बराबर गा सकती है, और उस लता जी में जो खूबी है वो ये कॉम्पोजिशन में निकले, अभी वो नहीं कर सकते, अगर आप सिंगर चेंज करते रहे तो आपको पता ही नहीं, और अगर आप सुर सिंगर का सुर करेक्ट नहीं रिकॉर्ड किए पहले पहले कौन सा सिंगर, तो फिर आपको लकी होना चाहिए कि कौन सा सिंगर आएगा जो आपके सुर में मैच होगा जी, और सब लोग गाते हैं हाई लो, जैसे मैं कहता हूं हाय अनिमेश हाउ आर यू, हाय अनिमेश हाउ आर यू, नेचुरल तो नहीं लगता हूं, बोल सकता हूं हाय, हाय में गा सकता हूं, हाय अनिमेश हाउ आर यू बोल सकता हूं, मेरा नेचुरल हाय अनिमेश हाउ आर यू, एक भाव अलग है, ये नेचुरल लग रहा है जी, बिल्कुल ये ओरिजिनल लग रहा है, वो जब करेक्ट सुर में बजता है ना तो सिंगर नेचुरल लगता है जी, और जब हाई में गाना है सिंगर गा सकता है लेकिन हो सके वो नेचुरल नहीं लगेगा, बिल्कुल सर, ये जो आपने छोटी छोटी बातें बताई है, ये जो बटिंग जो सिंगर्स हैं उनको काफी मदद होगी, कंपोजर्स को काफी मदद होगी, थैंक यू सो मच सर। सर ये जो अभी ये समय जा रहा है इसमें लोग बहुत लो फील कर रहे हैं, तो उन सभी के लिए, अपने फैंस के लिए, आपके फैंस के लिए, उनके लिए क्या मैसेज आएगा, हमारे लिसनर्स के लिए क्या मैसेज आएगा सर? मैसेज आपको 3 हफ्ते बाद आएगा जी, इंतजार है सर हमें। गाने का नाम है चंद्रमा और गाने में मैं गणपति देव को पूछ रहा हूं कि आप मुझे चंद्रमा से प्लीज कनेक्ट कीजिए, क्योंकि मुझे यहाँ कुछ दिख नहीं रहा है, सब अंधेरा हो गया कोविड के बाद, कुछ दिख नहीं रहा है, तारों को भी मैंने पूछा चंद्रमा कहाँ है उनको भी पता नहीं, तो अभी से इतना जो अंधेरा हो गया मुझे आगे रास्ता नहीं दिख रहा है, तो चंद्रमा तुम है कहाँ, आके हमें रास्ता बताइए, तो अभी मुझे किसी को कोई मैं किसी के लिए कुछ भी कहूंगा तो इट्स नॉट करेक्ट, मुझे खुद को पता नहीं आगे क्या है। बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा सा इंतजार हमें करना है, सब कुछ हम विशल ओवरकम धीरे धीरे, ये पैंडेमिक भी नॉर्मल होगा, और सबसे पहले तो हमें इंतजार है आपके, आपके जो मैंने कहा ना पहले, जुनून जुनून है तो सब हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही बात की है, थैंक यू सो मच लेस्ली सर, एक छोटा सा इंटरव्यू था, बहुत मजा आया आपके साथ बातें करके, बहुत सारी नई नई चीजें मुझे जानने को मिली, आपके फैंस को भी काफी कुछ जानने को मिला, उनके सवाल मैंने आपके साथ शेयर किए, थैंक यू सो मच सर, इसी तरह से आप हम सबको एंटरटेन करते रहिए, ऐसे ही रहिए, एंड ऑल द बेस्ट, एंड यू आर द बेस्ट सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच लेस्ली सर, थैंक यू सो मच, टेक केयर, ऑल द बेस्ट सर, थैंक यू सो मच। हमारे साथ थे नन अदर देन हम सबके फेवरेट लेस्ली लुईस, जिनके साथ हमारी बिल्कुल लाइव बातें हुई और ढेर सारी इन्फॉर्मेशन उन्होंने हमारे साथ शेयर की, और सबसे बड़ी बात है कि उनका एक नया सोलो सॉन्ग चंद्रमा बहुत जल्दी अब लॉन्च होने वाला है, इसके बारे में उन्होंने हमें बताया, और बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए, चंद्रमा का हम सबको इंतजार है। फिलहाल आज हमारे साथ थे फ्रेंड्स एफएम डिजिटल लाइव अनप्लग्ड में नन अदर देन सुपर कंपोजर एंड सिंगर लेस्ली लुईस, कल होगा रविवार की शाम सितारों के नाम, त्रिधा चौधरी हमारे साथ होंगी, एक्ट्रेस त्रिधा चौधरी, उनके साथ भी ढेर सारी बातें होगी, तो आपको जानना है सुनना है तो शाम को 6 बजे फ्रेंड्स एफएम के फेसबुक पेज पर आना है, रविवार की शाम सितारों के नाम मेरे और त्रिधा चौधरी के साथ, टेक केयर एंड गुड नाइट।